हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है पतंजलि के नीम तुलसी फेस वॉश पर। गाइस, आप इस फेस वॉश को ज़रूर परचेस करें, बहुत अच्छा फेस वॉश है ये। अगर आपके फेस पर एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, डर्ट है, ऑयल है, पिंपल्स हैं, तो आप इसे परचेस करें। काफ़ी अफोर्डेबल है ये, मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा ये। मैंने इसे 60 रुपये का परचेस किया है और आप इसे यूज़ करेंगे, एक तो हर्बल प्रोडक्ट है और महंगा भी नहीं है और आपकी स्किन पर कोई नुकसान भी नहीं करेगा। आप ये देखिए, मैं दिखा दे रही हूँ, इसमें आपको दिख जाएगा कि इसमें घृत कुमारी है, नीम है और तुलसी है, और ये तीनों चीज़ें आपका कितना अच्छा स्किन पे वर्क करती हैं। घृत कुमारी मीन्स एलोवेरा, नीम भी है इसमें, तुलसी भी है, तो ये तीनों चीज़ें मिलकर इतना अच्छा वर्क करती हैं आपके फेस पर कि आप देख सकते हैं कि देखिए, चिकनाई एवं धूल मिट्टी को कोमलता से हटाए, बिल्कुल भी आपके फेस पर एकदम हार्श नहीं रहेगा। और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गाइस, आप इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों परचेज कर सकते हैं। मैं इसे दिखा दे रही हूँ, ये देखिए, बिल्कुल जेल फॉर्म में है और ग्रीन कलर का ये निकलता है और अच्छे से आपकी स्किन में ये अब्सॉर्ब हो जाता है। और इसकी स्मेल गाइस तुलसी की और नीम की इतनी अच्छी इसमें फ्रेग्रेंस है कि आपको इरिटेशन भी नहीं होगी। बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट है, आपको बहुत अच्छा लगेगा गाइस। एक बार मेरे कहने पर आप परचेस करें। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, ऑयली स्किन है, तो आप इसे बिल्कुल स्किप ना करें। आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, एक बार पतंजलि का आप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि मेरे फेस पे काफ़ी पिंपल होता था, ऑयल होता था, डर्ट होता था। और क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें किसी किसी प्रोडक्ट की स्मेल बहुत ज़्यादा हार्ड लगने लगती है, तो हम उसे नहीं यूज़ करते। पतंजलि में ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नेचुरल स्मेल है इसकी और काफ़ी अच्छा वर्क भी करता है, अफोर्डेबल भी है। आप इसे मार्केट में जाएं और इसे लेकर के यूज़ करें और उसके बाद अपना रिव्यू ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।